गाइस आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्साइटिंग एयरपोर्ट जॉब अपडेट। ये अपडेट AIASL यानी कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से है, जो अलग अलग पदों के लिए भर्ती कर रही है। AIASL एयर इंडिया की एयरपोर्ट सेवाओं से संबंधित एक लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंतर्गत भारत के अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी करने का शानदार मौका है। ये डायरेक्ट भर्ती प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई भी इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा सीधी है और सीधे इन पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे। अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकली हैं और पूरे भारत में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 3000 पद खाली हैं और ये वैकेंसी भारत के मेजर एयरपोर्ट्स जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, अहमदाबाद हो गया या फिर चंडीगढ़ या फिर रायपुर, इन सब के लिए है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन AIASL की वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं और लगातार नए नोटिफिकेशंस भी अपडेट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि किन किन पदों के लिए वैकेंसीज हैं और कैसे फॉर्म भरना है आपको और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है। मेजर पोजिशन इसमें शामिल है जैसे कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इस पोस्ट पर 40 वैकेंसीज। ये शानदार पोस्ट है, यहाँ पर आपको सीधे यात्रियों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 57 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट में। इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी चाहिए। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 18 वैकेंसीज हैं और इसके लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हैवी व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इस पोस्ट पर 39 वैकेंसीज हैं। ये पोस्ट खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा दूसरी पोस्ट भी है जैसे कि हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमन, इनके लिए भी काफी सारी वैकेंसीज निकली हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन केवल उनके एप्लीकेशन के आधार पर किया जाएगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपने 12th के बाद किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री की है यानी कि बीए किया है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए अगर किया है आपने, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। 28 साल की मिनिमम एज लिमिट है और जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। इस पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी होगी 24,450 रुपए पर मंथ। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और सैलरी इसकी होगी 29,960 रुपए पर मंथ। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये जो पोस्ट है ये 10th पास वालों के लिए है और इनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 24,960 रुपए पर मंथ। कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकली है जैसे कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजिशंस के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 524। गोवा एयरपोर्ट, जहां पर 40 वैकेंसीज हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए और 57 वैकेंसीज हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट, यहां भी इन्हीं पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। चंडीगढ़ एंड रायपुर एयरपोर्ट्स, इन एयरपोर्ट पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी अगर इसके बारे में बात करें तो आप AIASL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होने वाली है। सारी पोस्ट के लिए सैलरी फिक्स्ड है और हर साल आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स की अगर बात करें जैसे कि ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी सुविधाएं भी आपको इसमें मिलेंगी। कुल मिलाकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरपोर्ट पर काम करने के लिए तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। पोस्ट की संख्या काफी ज्यादा है और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा आसान है। आप किसी भी एयरपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पसंद की लोकेशन पर काम भी कर सकते हैं। अगर आप इन वैकेंसीज में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसी टाइप की वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।